टोपी क्या है? चलो अच्छा लग रहा है क्योंकि आज तक हमें कभी मौका नहीं मिला वोट डालने के लिए। आज मेरा पहला वोट था, तो मेरा यही रहेगा कि जो भी अच्छा कैंडिडेट है वही इंशाल्लाह जीतेगा। सर हमने इसलिए वोट डाला क्योंकि 5 साल के बाद हर एक पार्टी आती है, हम उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो हमारी कौम के लिए कुछ करता है। इस बार हमने डीडीसी कैंडिडेट हलीमा बानो को इसलिए चुना है क्योंकि वो डीडीसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर चेयरमैन है, ताकि वो हमारी जो यहाँ पे गांव है क्योंकि हम बहुत गरीब है, तो हमारे लिए वो खिदमत करेगी, हमें अच्छे से अच्छे फंड्स तक पहुँचाएगी और जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसको बहुत अच्छा बनाएगी। सर डेवलपमेंट हुई है लेकिन उतनी नहीं हुई, जो ज्यादा गरीब यहाँ पे होते हैं तो उनको कुछ भी नहीं होता है, जो गरीब होते हैं वो पैरों के तले उनको रंगोट दिया जाता है क्योंकि जो अमीर होते हैं ना उन्हें को सब कुछ दिया जाता है, गरीबों की तरफ तवज्जो नहीं दिया जाता। आज हमें एक गरीब कैंडिडेट हलीमा बानो और आदिल नबी मीर को चुना है ताकि वो गरीब आवामों की बात सुने, खुद भी गरीब है, उनको पता है कि हम किस हालात से गुजरे हैं, हमने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, इसलिए वो हर अच्छे से अच्छे हालात रखेंगे और अच्छे से अच्छा काम करेंगे। सर समता में जो ग्रेजुएशन होल्डर्स होते हैं, जो एम ए बी एड के होते हैं, कोई डिग्री की होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें उनको मार्क्स अच्छे नहीं होते और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे पेड सीट्स होती है, जो पैसे भरते उन्हीं के लिए सीट्स होती है। जो हलीमा बानो ये खुद भी एक गरीब औरत है, ये ऐसा कुछ करने नहीं देगी, इसलिए इंशाल्लाह सब मुलाजिम रहेंगे, ये हर एक काम देगी इंशाल्लाह सब।